आज हमें सुबह 6 बजे चंडीगढ़ की फ्लाइट पकड़नी थी, बट वो हम नहीं पकड़ पाए क्योंकि कल रात को हम 1 बजे घर आए थे। एक हमारा शूट था, हम कहीं बाहर थे, उसके बाद मीटिंग थी, 1 बजे घर आए थे। तो क्योंकि सुबह 6 बजे की फ्लाइट, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, चाहे जो करना कर ले, गाड़ी से चल लेंगे। पर रात को हमारे घर में क्या कलेश हुआ, बच्चे सोते हैं मच्छरदानी लगा के। मैं कहता हूँ मुझे मच्छरदानी नहीं चाहिए, मेरे को मच्छर नहीं काटते। बच्चे सो रहे हैं, इनके ऊपर से मच्छरदानी लगा, वो वापस लगाने वाली है, इसमें 4 खोने वाले, बस खोल के लगा दो। हमने खोल के लगाई, जैसे ही डाली ऊपर पंखे में मच्छरदानी घुस गई। मच्छरदानी पंखे में ऐसे घूम रही है भाई। ओ भाई, पंखा अपने आप रुक गया। फिर रात को पंखा खराब। पापा के न्यू शूज आ गए, दिखाऊं खोल के? ये देखो, जरूर बोलो कि गंदे हैं, लेकिन ये यही पसंद आएंगे लोगों को देखना। न्यू स्नीकर, आहा मामा, कैसे लगे शूज? क्या बात कर, यूज्ड है? दिखाओ साला, ये तू कह रही कि यूज्ड है, वो गंदा नहीं है वो तो। हाँ यार, किसी ने यूज़ किया हो तो यार, मतलब दुकान पे भी जाता होता तो होता ही। आप तो सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ने वाले थे, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे पास हाल फिलहाल में 3 नए स्नीकर हो गए हैं जो मैंने पहने ही नहीं है। एक तो ये वाला, एक मैं ये लेके आया था, ये भी बहुत ही प्यारा है। उगते हुए सूरज को जल चढ़ाते हैं, ये दोपहर के 1 बजे जल चढ़ाती है। फाइनली एयरपोर्ट आ गया। जब हम फ्लाई करते थे तो हम यही उतरते थे, यहाँ से जाके ये वाला हमारा डिस्पैच भी यही उतारेंगे, हमको भी यही उतारेंगे। तो यहाँ से क्रू जाता है, यहाँ से उतर के मोटा भी हमारा यहीं से जाता है। जब भी फ्लाइट होती है, जैसे आपकी 3 बजे की फ्लाइट है, तो आपको 2 बजे यहाँ पे आना होता है। 15-20 मिनट आपने पेपर पर पढ़ के साइन किया, हाँ आई एक्सेप्ट द फ्लाइट, मैं कैप्टन हूँ, वेदर देखा, बाकी क्रू के साथ ब्रीफिंग होती है। तो कैप्टन और क्रू ब्रीफिंग करते हैं कि आज हम कैसे करेंगे, आज फैमिली वाइज कर लेते हैं कि भैया इतने सारे लोग नए नए फ्लाई कर रहे हैं, तो एक दूसरे को जानना भी जरूरी है। एमरजेंसी होगी, मतलब आपको पता नहीं आपके पीछे कौन फ्लाई कर रहा है, तो वो करके फिर आप यहाँ से जाते हैं। अभी तो गुस्सा आ रहा है मेरे को, टिकट ही नहीं हुई क्या? फाइनली मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है। एक्चुअली बता रहा, टिकट कराई थी मैंने, मुझे शॉर्ट था, चेकिंग किया, उसमें सिर्फ रितु का बोर्डिंग पास था। फिर मुझे लगा शायद मैं आपने कराना ही भूल गया, मैंने कहा पैसे लेकिन कटे थे। फिर मुझे लगा शायद रितु की दिल्ली चंडीगढ़, चंडीगढ़ दिल्ली डबल फ्लाइट हो गई। मेरे को लगा अब तो हो भी नहीं सकती क्योंकि अब टाइम हो चुका है, लगा लग गए एल, लग गए, बट फिर अभी एल नहीं लगे। सुन, टेक ऑफ ट्रिम की सेटिंग बता कितनी होती है? टेक ऑफ ट्रिम देख वहाँ पे लिखा, देख प्लस 4 से लेके -11.5 गिन ले यहाँ पे, चल देख ऊपर +4 है, नीचे -11.5। ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो तूने याद करी, जो तूने रखी हुई है। वैसे तो मेरे बाल ठीक लगते हैं, इतने लोग फोटो खिंचा के लेते हैं उसमें गंदे लगते हैं, बट एनीवेज हम लोग अभी चंडीगढ़ लैंड रहे हैं। क्योंकि यार पहली बार मैं चंडीगढ़ में क्या देख रहा हूँ, पीछे मेरे चाट का ठेला लगा, चाट और पानी पूरी लाइव स्टेशन। चंडीगढ़ में को आना हमेशा पसंद है क्योंकि हमारे चैनल का वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो वो चंडीगढ़ में शूट हुआ था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में, हमारी मीटिंग नंबर 1 यहाँ निपट चुकी है। मीटिंग नंबर 2 के लिए हम लोग जा रहे थे, मैंने कहा तू मीटिंग नंबर 2 ऐसी जगह पे देखो जो रेलवे स्टेशन से पास हो, क्योंकि हमारी ट्रेन है रात को 9:10-9:15 की। तो यहाँ पे किसी ने बोला कि यहाँ पे 2 स्टेशन है, कौन से स्टेशन जाना आपको? मैंने कहा रुक जाइए, टिकट निकाल के क्लियर कर लेते, कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। टिकट निकाल के देखी तो टिकट दिल्ली से चंडीगढ़ बुक हो चुकी थी। इनके सारे काम ऐसे ही होते हैं, और फिर मुझे कहते हैं मेरे तो काम बहुत बढ़िया होते हैं, हमें जाना चंडीगढ़ से दिल्ली। और ये ऐसे ना माय लाइफ में पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार मेरे पति देव ने ये काम किया। नो कमेंट्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मीटिंग नंबर 2 में, तो प्लान ये है कि रात को हम लोग टैक्सी लेके दिल्ली जाएंगे। और हो सकता है भगवान की यही मर्जी है, क्योंकि जब चंडीगढ़ आते हैं तो मूर्थल के पराठे खाए बिना घर नहीं जाते हैं, तो ये हो रहा था। तो भगवान ने कहा नहीं भैया, तुम्हारे मूर्थल के पराठे में तो मैं खिला के भेजूंगा। तो हमारी मीटिंग हो चुकी है डन, मैं अभी कर रहा हूँ डिनर। तो नहीं खा रही क्योंकि इसका फास्ट अलग होता है, मेरा फास्ट अलग होता है। मैं फास्ट रखता हूँ कि, और ये रखती है कि इसका फंडा है कि अगर फास्ट रख रही है तो दिन में एक ही टाइम खाएगी। मेरा है कि मैं सूर्यास्त के बाद खा लूँगा, तो आई थिंक वो सेम ही पड़ जाता है। इस वाले रेस्टोरेंट में कितना रुके हमने को याद, हमने साथ में ब्रेकफास्ट भी किया हुआ, ये भी बैठ गया था इसी टेबल पे, सेम टेबल थी, बढ़िया। हम लोग बहुत रुके जब हम लोग फ्लाइंग करते थे। तो प्रेगनेंट थी जब? अरे हाँ, जब तुम तो मोटा वाला पजामा पहन के आया था यहाँ पे, जब पहला वाला व्लॉग बनाया था। मोटी रोटी बनाती, इतनी मोटी रोटी, आपको पतली रोटी आती है? आज तक बनाई है रोटी, सबके सबके सामने अच्छा बनने के लिए बोल। मेरे पास प्रूफ है, मैं इस वीडियो में प्रूफ डाल दूंगा।
शादी में ब्याह के नया नया घर पे आया, दूसरे दिन मैं चौके में था। यू डोंट बिलीव, वेट वेट, आई शो, आई विल गिव देम प्रूफ। शादी हमारी 5 फरवरी की थी, ऊपर डेट देख लीजिए फोटो की, 8 फरवरी 2016 देख सकते हैं आप। ये इनकी चाल है, ये इनकी चाल है भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए, फैन बनाना चाहते हैं, ये रीजन है। भोली भाली, हाँ। सांपों के जहर निकाल देती है ये भोली भाली। हमारे साहब आते हैं कहते हैं भैया हमारा जहर वापस करा दो दीदी से। फिर हमारी वहाँ पे हमारे जहाँ रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है ना, वहाँ की औरतें इकट्ठा करती है जहर, बांटती है उनमें, ये सारे पतियों का इसने घर खराब किया हुआ है। सोटल से बहुत याद है हमारी, बहुत रुके हैं सोटल में हम। सो फाइनली हमने बहुत डिसाइड किया क्या करते हैं, हमने सोचा होटल में रूम भी लेकर रुक जाते हैं, कहती सुबह चलेंगे फ्लाइट से, सब कुछ पता कर करा के। मैंने कहा दिस इज द बेस्ट थिंग, बड़ी गाड़ी कराते हैं इसी में सो के जाते हैं। क्यों रहते हो, आपने नींद पूरी की हुई है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो फिर अब हम कर लेते हैं। सुबह के 2:30 बज रहे हैं, हमारा मूर्थल का पराठा हो गया, मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी बट फिर भी मैंने खा के थी, खा ले कब आ पाता है मूर्थल, मैंने कहा सही बात है। मूर्थल से जैसे हम पराठे खा के चले तो MCD या पुलिस की नाकाबंदी थी, आगे हम लोग दिल्ली एंटर करने वाले थे, तो एक पुल जा रहा था, एक नीचे से जा रहा था। जैसे हम लोग पुल चढ़े पीछे से किसी ने ठा हमको दे मारी, 2 बाइक पे लड़के थे, दोनों माइनर थे। जो बंदा चला रहा था बाइक, दोनों बिना हेलमेट के थे, दोनों भाई थे, रात को 2:30-3 बजे वो जा रहे थे कहाँ पे, और जो चला रहा था बाइक वो बड़ा भाई था, पीछे बैठा था छोटा भाई था, आगे वाले ने पूरी पी रखी थी दारू, पी के बिना हेलमेट के 16 साल के लड़के दोनों हो रहे होंगे और बाइक चला रहे हैं सुबह के 3 बजे हाईवे पे फुल स्पीड। रात को पी के नहीं बेटा, वो हो गए पैसे तो देख, वो कह रहा था मुझे 5,000 रुपए दो, छोटा बच्चा जो था। मैंने कहा भाई 5,000 छोड़, तो पहले अपना ख्याल रख, तूने पी हुई है अभी तू गाड़ी मत चलाइयो, तो पीछे छोटा भाई है, हेलमेट नहीं है तो नहीं है, यहाँ से सीधा घर भागो और हाईवे पे मत जाओ, साइड से होके जाओ। A few moments later, ये वही बंदे हैं, वो बाइक पे पीछे बता, वो दोनों फिर से बिना हेलमेट के वैसे ही चल दिए। मैंने उसके लिए एम्बुलेंस बुला दी, मैंने कहा इनकेस कुछ कहीं भी लगाओ तो एम्बुलेंस देख लेगी। अब वो बिना हेलमेट के माइनर और शराब पिए हुए, उसको लगा एम्बुलेंस आएगी तो मैं फंस जाऊंगा, उनके लिए कुछ ना, उनके लिए एम्बुलेंस मंगाई, वो वहां से चल दिए। फाइनली बैक होम, घर पहुंच गए, सुबह के 5 बज रहे हैं, बच्चों को सुबह 7:30 स्कूल भी भेजना है, सिर्फ 2.5 घंटे बचे। थैंक गॉड रास्ते में यार बड़ा हादसा होते हुए टल गया। बच्चों हाईवे पे रात को गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहन के प्लीज, और ऑब्वियसली ड्रिंक तो ना ही करके चलाओ। बट पीछे वाले ने कहता है कि व्हेन यू ड्रिंक आपका रिएक्शन टाइम, आपने 1 सेकंड बाद भी पीछे तो आप ठोक दोगे। पी हुई थी उसने, उसका पीछे बैठे वाला छोटा भाई कह रहा हाँ मेरे भाई ने पी हुई है आगे। रात को 3 बजे हाईवे में गए होंगे कहीं यार ढाबे वाबे में खाया होगा, बैठ के पी लिया होगा, बट हेलमेट तो लगाओ भाई, हेलमेट लगाओ, हाईवे पे चला रहे हो आप यार। चलो एनीवेज टुडे इज डन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।